वेलकम टू सोशल. एंटी हीरो फिल्म्स ऐसी फिल्म्स होती हैं जिनको आप नॉर्मल हीरो विलन फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हैं. दीज आर द फिल्म्स दैट डिमांड यू टू व्यू देम विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये इसीलिए क्योंकि एक एंटी हीरो कैरेक्टर एक नॉर्मल हीरो के कैरेक्टर से काफी अलग होता है. ही somebody जिसके actions बहुत ही wrong होते हैं और उसे इन actions पर कोई guilt भी नहीं होता है. वो इन actions को willingly pursue करता है और जो उसके ये करने से मना करता है, he deals with that person in his own way. यहाँ पर interesting point ये है कि despite an anti-hero being wrong, audience उसकी journey से connect करती है and they want him to win in the end. इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 10 ऑल टाइम बेस्ट एंटी हीरो फिल्म्स के बारे में बताएंगे, where we will fully analyze कि एक एंटी हीरो कैरेक्टर क्या होता है. दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं. नंबर 10, कमीने. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कमीने जैसी क्लासिक फिल्म को आज तक वो रिकग्निशन नहीं मिली जो वो हमेशा से डिजर्व करती है. वन ऑफ द मेनी स्टैंड आउट पॉइंट्स ऑफ कमीने वॉज इट्स टॉप नॉट स्क्रीन राइटिंग, जहाँ पर हमें पूरी फिल्म में कई तरह के ग्रे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं. पर इन सब में से द वन हु इज़ द डार्केस्ट इज़ द कैरेक्टर ऑफ चार्ली, जिसे एक्टर शाहिद कपूर ने प्ले किया था. चार्ली इज़ समबडी जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है और उसके लिए वो फिल्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है जो शायद बाकी लोगों के लिए मॉरली इनकरेक्ट हों. फॉर एग्जाम्पल, वो फिल्म के एक क्रूशियल सीन में अपने खुद के भाई को बिट्रे कर देता है. एज वी सेड, कमीने एक मास्टरपीस फिल्म है विच डिजर्व्स बेटर फ्रॉम द ऑडियंस. नंबर 9, बाजीगर. यू विल अग्री व्हेन वी से कि इट वाज शाहरुख खान जिन्होंने बॉलीवुड में एंटी हीरोज का कल्चर पॉपुलर किया था. स्टार्टिंग इन द 1990s, ही वाज द फर्स्ट वन हु प्लेड ग्रे कैरेक्टर्स इन मेनस्ट्रीम फिल्म्स विदाउट एनी हेजिटेशन. वैसे तो ही डिड सम रियली ग्रेट एंटी हीरो कैरेक्टर्स इन फिल्म्स लाइक डर एंड अंजाम, मगर उनका एक कैरेक्टर जो आज भी ऑडियंस को बहुत अच्छे से याद है इज फ्रॉम द फिल्म बाजीगर. हम बाजीगर में शाहरुख खान को विकी मल्होत्रा के कैरेक्टर में देखते हैं, हु वांट्स टू टेक रिवेंज फॉर हिज पेरेंट्स डेथ. फ्रॉम टेलिंग लाइज अबाउट हिज पास्ट लाइफ टू किलिंग द गर्ल हु लव्ड हिम, दिस कैरेक्टर इज फुल ऑन डार्क. इट इज़ वेरी प्रेज़वर्दी कि 90s के एरा में जहाँ पर हर कोई सिर्फ हीरोइक रोल्स प्ले करना चाहता था, शाहरुख ने ऐसे फ्लॉड कैरेक्टर्स प्ले किए थे. मैं तुम्हें आजाद कर रहा, मुझे माफ कर देना. नंबर 8, पुष्पा द राइज. पुष्पा द राइज एक फुल ऑन मसाला फिल्म है विद अ फ्लॉड हीरो, जिसको हम इजीली एक एंटी हीरो फिल्म का टैग दे सकते हैं. पुष्पा, पुष्पराज, ये वत्ते के दले. हम फिल्म में पुष्पा राज नाम के सैंडलवुड स्मगलर की स्टोरी देखते हैं, where we see how a man from nowhere goes on to become such a powerful figure. Like every other anti-hero in this video, पुष्पा भी ऐसे बहुत सारे actions undertake करता है, जिससे audience जरूर उसकी morality पर question कर सकती है. You can also judge him for who he is, but आप उसको एक villain का tag नहीं दे सकते. You start seeing him as a hero and you always want him to win. कौन है तेरा मालिक? पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है. नंबर 7, बदलापुर. 2015 में रिलीज हुई फिल्म बदलापुर में हमने एक्टर वरुण धवन को एक बिल्कुल ही अलग रोल में देखा था. वो फिल्म में एक एंटी हीरो का कैरेक्टर प्ले करते हैं, who wants to take revenge for the murder of his wife and son. इससे पहले वरुण ने सिर्फ टिपिकल हीरो कैरेक्टर्स प्ले किए थे, जहाँ वो यूजुअली थोड़ी ओवर एक्टिंग करते थे. पर बदलापुर से उन्होंने सबको शॉक कर दिया. उनका कैरेक्टर राघव एक साइकोपैथ था जो रिवेंज लेने के लिए कुछ भी कर सकता था. अब फिल्म में देखते हैं कि वो कितने इनोसेंट लोगों का मर्डर कर देता है एंड ही डजंट इवन फील गिल्टी अबाउट इट. हाउएवर, डिस्पाइट दिस, वी फेल्ट सो स्ट्रांगली फॉर हिम बिकॉज जिस तरह से वरुण ने ये कैरेक्टर प्ले किया था, इट वॉज पिच परफेक्ट. ही मेड श्योर कि हम राघव के डार्क साइड के साथ साथ उसकी इमोशनल जर्नी से भी कनेक्ट करें. नाउ गाइस, टू द रघु. काय रघु घेतली काय मर्डर गेले. नंबर 6, मलिक. 2021 में रिलीज हुई फिल्म मलिक एक क्राइम सागा फिल्म थी, वेयर द एक्टर फहाद फासिल प्लेड द रोल ऑफ अ पावरफुल गैंगस्टर सुलेमान. फिल्म एक ब्रिलियंट एग्जांपल है अंडरडॉग नैरेटिव का, वेयर द राइटर्स हैव क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सुलेमान विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप एंटी हीरो का टैग देने से पहले कई बार सोचते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके एक्शंस आपको जेन्युइन लगते हैं.
मगर इसके बावजूद भी यू कैन नॉट कॉल हिम अ हीरो बिकॉज वी ऑल नो ही इज फ्लॉड इन हिज ओन वे। आप हमें बताइए कि आप मलिक में फहाद के कैरेक्टर को कैसे देखते हैं, एज एन एंटी हीरो और अ हीरो? डू लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 5, मकबूल। विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड फिल्म मकबूल हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट अंडरवर्ल्ड फिल्म्स में से एक है। फिल्म के वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, बट वन थिंग दैट टोटली स्टैंड्स आउट इज द कैरेक्टर ऑफ मकबूल प्लेड बाय इरफान खान। हम फिल्म में देखते हैं कि कैसे मकबूल बॉम्बे अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए अपने गॉडफादर का मर्डर कर देता है। नॉट ओनली दिस, मकबूल पूरी फिल्म में अपने फायदे के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार है। इस फिल्म में सभी कैरेक्टर्स एंटी हीरो थे एंड एवरीवन हैड गिवन अ मास्टर क्लास परफॉर्मेंस। या तो गोली मार या कल आके मिल। नंबर 4, दीवार। वी वोंट बी रॉन्ग व्हेन वी से दैट लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन इज द फर्स्ट एवर एंटी हीरो ऑफ हिंदी सिनेमा। 1970s के डेकेड में अमित जी ने कई फिल्म्स में डार्क रोल्स प्ले किए थे जहां पर उनके कैरेक्टर को आप आइडियल हीरो की क्वालिटीज में रखकर नहीं देख सकते। इनमें से ही एक कैरेक्टर था विजय का फ्रॉम द फिल्म दीवार। हम फिल्म दीवार में देखते हैं कि विजय एक पावरफुल स्मगलर है और आज जहां भी वो पहुंचा है इट इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बस फर्क इतना है कि वो अपनी शोहरत में इतना खो जाता है दैट ही स्टार्ट्स टू हैव गॉड कॉम्प्लेक्स। इस वजह से वी सी हिम डूइंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स और उसे लगता है कि वो सही कर रहा है। हम एज ऑडियंस उसके लिए फील करते हैं एंड एवरीवन नोज कि इस कैरेक्टर का एंड कैसे होगा। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। नंबर 3, सत्या। रामगोपाल वर्मा डायरेक्टेड फिल्म सत्या विदाउट एनी डाउट हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम क्लासिक फिल्म्स में से एक है। इट वॉज द फर्स्ट एवर फिल्म जिसने बॉम्बे अंडरवर्ल्ड को बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ पोर्ट्रे किया था। अगर हम फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करें देन वी कैन से दिस विद फुल गारंटी कि सत्या एक ऑल आउट एंटी हीरो फिल्म है। फिल्म हमें दो गैंगस्टर सत्या और भिगु मात्रे की कहानी दिखाती है। ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कहीं से भी एक आइडियल हीरो के डेफिनेशन में फिट नहीं आते हैं। दे आर एक्सट्रीमली फ्लॉड पीपल जो अपने फायदे के लिए लोगों का मर्डर तक कर देते हैं। ये दोनों अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंडशिप को वैल्यू करते हैं और अगर उनके बीच कोई आता था दे जस्ट एंड अप किलिंग हिम। इस सब के बावजूद भी जब आप फिल्म को देखते हो यू कनेक्ट विद दीज कैरेक्टर्स क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी फीलिंग्स को समझ पाते हो। यू नॉट ओनली कनेक्ट विद देयर जर्नी बट ऑल्सो विद देयर एक्शंस बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल ग्रे पीपल विद अ लॉट ऑफ डार्क शेड्स टू अस। नंबर 2, KGF। KGF फ्रेंचाइज विदाउट एनी डाउट इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइज है। फ्रॉम इट्स स्केल एंड बजट टू इट्स वर्ल्ड एंड द स्टोरी इट नरेट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू KGF फिल्म्स इज ह्यूमंगस। अगर हम फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करें तो फिल्म की स्टोरी एक क्लासिक एंटी हीरो स्टोरी है जहां पर हम रॉकी नाम के कैरेक्टर की जर्नी देखते हैं। हम रॉकी को फिल्म के स्टार्टिंग में देखते हैं जहां पर उसका कैरेक्टर अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है बट बाय द टाइम द फिल्म एंड्स वी सी हिज हीरोइक राइज। अपनी इस जर्नी में रॉकी बहुत से ऐसे काम करता है जो हम अपने नॉर्मल हीरो को करते नहीं देखेंगे बिकॉज ऑल दीज एक्शंस आर समवेयर रॉन्ग। बट लेट अस रिमाइंड यू हियर दैट रॉकी इज नॉट अ हीरो, ही इज एन एंटी हीरो। यश ने इतनी परफेक्शन से एक्टिंग की है कि वो आज सब ऑडियंस के लिए एक आइकॉनिक हीरो बन चुके हैं। नॉट मेनी विल रिमेम्बर हिज नेम यश पर सब उनको रॉकी के नाम से तो जरूर जानते हैं। रॉकी सिंस 1951। नंबर 1, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक ऐसी रेयर फिल्म है जिसका हर कैरेक्टर अपनी ही लाइफ में एक एंटी हीरो है। फ्रॉम द मैनिपुलेटिव रामधीर सिंह टू द पावरफुल कैरेक्टर्स लाइक सरदार खान एंड फैजल खान, ऑल ऑफ देम आर टिपिकल ग्रे कैरेक्टर्स। ये सभी कैरेक्टर्स फिल्म के हर मोमेंट पर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि काफी गलत है। यही नहीं, ये कैरेक्टर्स अपने मोटिव के लिए एक दूसरे को यूज करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो एक दूसरे को मार भी देते हैं। इन सब के इतना फ्लॉड होने के बावजूद भी ऑडियंस इनसे रेजोनेट करती है और उनके लिए फील भी करती है। दिस प्रूव्स दैट नोबडी इज रॉन्ग इन दिस फिल्म, इट इज जस्ट दैट कुछ कैरेक्टर्स बाकी के कैरेक्टर्स से कम रॉन्ग है। भजाना दिन कौन सा है? हा?
वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें ये बताएं कि इन सारी एंटी हीरो फिल्म्स में से आपकी टॉप 3 एंटी हीरो फिल्म्स कौन सी हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग इंटरेस्टिंग रिप्लाइज, सो डू ड्रॉप अ कमेंट। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।